ये है जादव लाल नाथ, त्रिपुरा से बीजेपी विधायक हैं और ये तस्वीरें हैं राज्य की विधानसभा की, जहां हाल में हुए चुनाव में बीजेपी ने ही जीत के साथ सत्ता में वापसी की और ये सत्ताधारी भाजपा के विधायक विधानसभा में फोन लिए बैठे हैं। लेकिन फोन में क्या देख रहे हैं? आरोप लगे कि विधायक साहब विधानसभा सत्र के दौरान सदन में मोबाइल फोन में पॉर्न फिल्म देख रहे थे, मतलब उधर विधानसभा में जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो रही है और इधर विधायक जी की कोई और ही फिल्म चल रही है। खबर मिली कि ये विधायक जी की करतूत सोमवार की है, जब विधानसभा का सत्र चल रहा था और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। अब ये वीडियो आपके सामने है, ऐसे में विधायक जी का पक्ष भी जानना जरूरी है, इसीलिए जब इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट ने उनसे इस वीडियो का पूरा सच जानना चाहा, तो विधायक जादव लाल नाथ ने कहा कि उनसे गलती से मिस्टेक हो गई। जादव लाल ने कहा कि मैं नहीं जानता कैसे ये वीडियो मेरे फोन पर खुल गया, मैं स्मार्टफोन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, ना ही स्मार्टफोन के साथ फ्रेंडली हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अपनी पार्टी लीडरशिप से और साथ ही भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य से बात की है और उन्होंने मुझे पार्टी के आदेश के लिए रुकने को कहा है। खैर, अब विधायक जी जो भी सफाई देते रहे, वीडियो तो उनका वायरल हो गया और बात भाजपा की लीडरशिप तक भी पहुंच गई। इस घटना से परे बात करें विधायक के बारे में, तो जादव लाल नाथ ने सीपीएम के सबसे मजबूत किलों में गिने जाने वाले बागबासा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की जीत का परचम लहराया था। बागबासा विधानसभा सीट पर 2018 के चुनाव में भी बीजेपी नहीं जीत सकी थी। 2018 के चुनाव में सीपीएम की बिजिता नाथ ने बीजेपी के प्रदीप कुमार नाथ को 270 वोटों से हरा दिया था। 2023 के चुनाव में बीजेपी ने जादव लाल नाथ पर दांव लगाया था। बीजेपी के जादव लाल नाथ ने बागबासा में सीपीएम की बिजिता नाथ का विजय रथ रोक दिया था। जादव लाल नाथ ने सीपीएम की सिटिंग विधायक बिजिता नाथ को 1400 वोटों से ज्यादा के अंतर से हरा दिया था। तृणमूल कांग्रेस के बिमल नाथ तीसरे और टिपरा मोथा की कल्पना सिन्हा चौथे स्थान पर रही थी। खैर, अब अपनी इस वीडियो की वजह से सुर्खियों में है जादव जी। आपका इस पर क्या है कहना, कमेंट्स में लिखकर बताएं। न्यूज तक ब्यूरो।